सरकार की कोविड-19 वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के गठन पर जिला कलेक्टर समेत उच्च अधिकारियों की हुई बैठक। वैक्सीन की प्रारंभिक तैयारियों पर की गई चर्चा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य सरकार के वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के गठन पर जिला अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जिला अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि वैक्सीन की प्रारंभिक तैयारियों के बाबत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के स्टोरेज व ट्रांसपोर्टेशन पर बैठक हुई तथा सरकार द्वारा बनाई गई बेनिफिशियरियों की लिस्ट, जिनमें सबसे पहले प्राथमिकता हेल्थ केयर वर्कर को दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 18,000 प्राइवेट व सरकारी हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनका डाटाबेस तैयार करना आदि पर चर्चा हुई। वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारियों का भी डाटाबेस तैयार करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वैक्सीन के प्रारंभिक बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के टास्क फोर्स राज्य सरकार ने जो गठित की, उसकी बैठक थी और उसमें जो प्रारंभिक तैयारियां हैं उसके बाबत चर्चा की गई, चाहे वैक्सीन के स्टोरेज की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, और जो बेनिफिशियरी होंगे प्रायोरिटी लिस्ट जो बनाई है गवर्नमेंट ने, उसमें हेल्थ केयर वर्कर सबसे टॉप प्रायोरिटी, उनका डेटाबेस तैयार करना जो तैयार हो चुका है। लगभग 18,000 जिले में सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स हैं जो जिसका डेटाबेस तैयार है, और इसी तरह से बाकी प्रायोरिटी लिस्ट भी डिस्कस की गई, और जो वैक्सीन लगाने वाले कर्मचारी होंगे वैक्सीनेटर्स, उनका भी डेटाबेस तैयार करना। तो ये सारी प्रारंभिक तैयारियों के लिए आज बैठक थी और इस सब बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्टोरेज को लेकर जगह चिन्हित करने का काम है या फिर और कहीं लगाने का है तो वो कहाँ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हर जगह स्टोरेज की व्यवस्था, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, या फिर आगे वितरण के टाइम पे ब्लॉक पे, और फिर फाइनली वैक्सीन कैरियर, इन सबके में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की गई और स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं मेडिकल टीम द्वारा, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनके द्वारा आवश्यक प्रबंध की व्यवस्था भी की जा चुकी है।